आदर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। इस वक्त मैं सचिवालय हाल पर मौजूद हूं और देख सकते हैं तस्वीरों में जाप कार्यकर्ताओं और रेल पुलिस के बीच में भिड़ंत हो गई है। डीएसपी से तू-तू मैं हो रही है। अब किस तरह बात कर रहे हैं, अब किस तरह बात कर जाएंगे? आपका जो काम होगा आप कीजिएगा। आप गिरफ्तार करना है, सबको गिरफ्तार कीजिए, हम लोग गिरफ्तार नहीं देंगे। चलिए गिरफ्तार कीजिए, लगाना है, गिरफ्तार कीजिए हम लोग को। देखिए इस वक्त हम सचिवालय हाल पर मौजूद हैं और जाप कार्यकर्ता और रेल पुलिस के बीच में यहां पे भिड़ंत हो गई है। जाप कार्यकर्ता डीएसपी के द्वारा शब्दों के चयन को लेकर नाराज हैं और देखिए यहां पे आपस में ही भिड़ गए हैं। डीएसपी और जाप कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई है। आप हटाइए, आप फोर्स हटाइए, देखिए यहाँ पे जो जाप कार्यकर्ता हैं वो चक्का जाम करने के लिए पहुँचे थे और उन्हें पुलिस के द्वारा, रेल पुलिस के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद जाप कार्यकर्ताओं और रेल पुलिस के बीच में भिड़ंत हो गई और जमकर तू-तू मैं यहाँ पे सचिवालय हाल पर हो रहा है। दरअसल ये तमाम जाप कार्यकर्ता मणिपुर में हो रही हिंसक घटना और बिहार में फिर से डोमिसाइल नीति को बहाल करने की मांग को लेकर आज राजधानी पटना के सचिवालय हॉल्ट पर चक्का जाम करने वाले थे, यानी रेल चक्का जाम करने वाले थे और अभी जाप संरक्षक पहुंचे भी नहीं थे। उससे पहले रेल डीएसपी की ओर से जाप कार्यकर्ताओं को प्लेटफॉर्म से हटाने की कोशिश होने लगी। इसी कड़ी में जाप कार्यकर्ता और रेल डीएसपी आपस में भिड़ गए और जमकर स्टेशन पर ही तू-तू मैं होने लगी। डीएसपी के द्वारा शब्दों के चयन को लेकर नाराज हैं और देखिए यहां पे आपस में ही भिड़ गए हैं। डीएसपी और जाप कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई है। आप हटाइए, पुलिस हटाइए, पुलिस हटाइए, पुलिस हटाइए, आप फोर्स हटाइए, आप फोर्स हटाइए, हालांकि इस तू-तू मैं के बाद रेल डीएसपी को ही पीछे हटना पड़ा। जाप कार्यकर्ता रेल डीएसपी पर हावी हो गए। अब देखना होगा कि जाप संरक्षक पप्पू यादव सचिवालय हाल्ट पर आते हैं तो यहां का माहौल क्या होता है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।